कानपुर का पुखराया डिवीजन विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल जमा कराने के मामले में जिले में नंबर वन बना हुआ है। पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव भी विद्युत बकायेदारों के लिए एक टीम बनाकर घर घर भेज रहे हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को सुविधा देते हुए कैंप लगवाकर बिल का संशोधन कर ATS योजना का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाकर राजस्व जमा कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। पुखराया डिवीजन में लगभग 90,000 विद्युत उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं पर लगभग 44 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी। यूपी सरकार के द्वारा लागू की गई ओटीएस योजना का लाभ दिलाते हुए पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता ने लगभग 15,120 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके माध्यम से पुखराया डिवीजन ने 8 करोड़ का राजस्व जमा कराया। स्कीम में आपके द्वारा लगभग कितने कंज्यूमर का कितना पैसा जमा कराया गया है? पुखराया खंड के अंतर्गत एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 67,417 उपभोक्ता जो है एलिजिबल हैं इस योजना में प्रतिभाग करने के लिए, जिसमें से अभी 23 दिसंबर तक हमने 15,120 उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना में करा दिया है। और अभी तक जो राजस्व की वसूली हुई है एक मुश्त समाधान योजना के तहत, वो है पुखराया खंड के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए की वसूली हुई। ओटीएस योजना के माध्यम से कानपुर जोन में पुखराया डिवीजन ने सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है। अधिशासी अभियंता की कड़ी मेहनत की वजह से पुखराया डिवीजन को प्रथम स्थान मिला। वहीं सरकार के द्वारा किसानों, घरेलू और वाणिज्य विद्युत उपभोक्ताओं के बकायेदारों के लिए लागू की गई ओटीएस योजना लाभ विद्युत उपभोक्ता छूट का लाभ लेकर अपने बिल जमा कर रहे हैं। कितने बड़े अमाउंट को आपने चैलेंज किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के द्वारा अथक मेहनत की गई होगी, किस तरीके से आपने टारगेट पूरा किया है? लगभग हमारे खंड में 180 संविदा कर्मी हैं, 10 JEE हैं और 3 SDO हैं हमारे। सभी को जो है संविदा कर्मी बार जो है लक्ष्य उपभोक्ताओं का आवंटित किया गया है। सभी संविदा कर्मी पंचायत बार जाके प्रधानों से संपर्क करके, ग्राम लगभग 416 प्रधान इस पुखराया खंड के अंतर्गत है, सभी से संपर्क करके पंचायत बार कैंप आयोजित किए गए, घर घर जाके प्रचार प्रसार किया गया, योजना के बारे में बताया गया। उसी का नतीजा है कि कानपुर जोन प्रथम के अंतर्गत पुखराया खंड ने एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया है एकमुश्त समाधान योजना का। वहीं भोगनीपुर तहसील के महेरा निवासी किसान जमुना चरण ने बताया कि शहरी और ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बकायेदारी को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके चलते उपभोक्ता अपने बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। मेरा 2,30,000 बकाया था और मेरा 1,40,000 में समाधान हो रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है जमुना चरण। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हैं ग्राम जारी। अच्छा, आज बिजली विभाग में आप आए थे, आपको कितना बकाया था और क्या छूट मिली आपको? सर, हमारा बकाया था 2,30,000, इसमें हमारा 1,40,000 में समाधान हो रहा है। अच्छा, तो अब कितना आपको जमा करना है, कितना रजिस्ट्रेशन कराया आपने? 40,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया है। सरकार की जो योजना ओटीएस की चल रही है, इस पे आप लोगों को छूट मिल रही है, क्या कहेंगे इस पे? सरकार की बहुत मानता है, जो हम लोगों को मतलब सुकून मिल रहा है, राहत मिल रही है। अच्छा, और भी कंज्यूमर, बहुत से कंज्यूमर है जो अभी तक योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये हमारे अधिशासी अभियंता जी का अथक प्रयास है, जो इन्होंने अपने गांव-गांव में जाकर टीम बना कर गाँव में प्रचार किया और सब लोग को इसमें जागरूकता दी कि आप सब लोग जो है जमा करिए, और उसी के फलस्वरूप ये जो है।
साथ ही सभी विद्युत बकायेदारों से अपील करते हुए कहा कि ओटीएस योजना का लाभ उठाते हुए सभी उपभोक्ता अपने बिल जमा करें। पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव की कड़ी मेहनत की वजह से अब तक 8 करोड़ का राजस्व जमा हो गया है। दरअसल यूपी सरकार के द्वारा प्रदेश में किसानों, घरेलू और वाणिज्य विद्युत कनेक्शनों के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर 2023 को लागू की गई थी। इसके माध्यम से विद्युत उपभोक्ता ओटीएस योजना का लाभ लेकर अपने बकाये बिल का संशोधन कराकर बिल जमा करा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर देहात से फरदीन खान की रिपोर्ट।